हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। एक मिनट दे रहा हूँ यार, मैं लिंक भी नहीं पोस्ट कर पाया अभी। जस्ट पोस्ट द लिंक यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट बस, मैं लिंक डाल देता हूँ। बाद में लोग भड़क जाते, उनको पता ही नहीं था सर क्विज था, ये था वो था, लिंक नहीं मिला। 50 चीज। चलिए ही पेड़ कैसे बनेगा बुद्धू, बताओ मेरे को। टेलीग्राम होता है, कॉल आने स्टार्ट। हेलो, स्टॉक करे टेलीग्राम पे। कहाँ गया हमारा? हाँ, तो ए बी मान लो तीन बॉक्सेस में दो 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 आइटम हो गए, तो फिर तीन पेयर बन गया ना। एक ए बी बन गया, एक बी सी बन गया, एक ए सी बन गया। तो यहाँ पे तीन पेयर्स आ गए ना। हमारे केस में दो ही पेयर तो आए हमारे केस में, जैसे ए और सी में, ए में एक आया, सी में एक आया, डी में तीन आया, ई में तीन आया। तो यहाँ पे दो ही पेयर बना ना, तो हमको मिनिमाइज करना था, राइट? ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट कर लेंगे। वो एक अलग से क्लास, एक और शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है? तो डिस्कस कर लेंगे, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो बचे हुए हैं, कल कर लेंगे, कल परसों में। विराट कोहली क्यों डीएलएड सिखा रहे हैं? आते वो देखना ना, आते गूगल करो, गूगल करना। एक वर्ड होता है ओवर एक्टिंग, ठीक है? फिर समझ जाओगे क्यों विराट कोहली डील करते हैं। गूगल ये मत करना कि विराट कोहली क्या सिखा रहे हैं, गूगल करना ओवर एक्टिंग क्या होता है, तो फिर समझ जाओगे कि विराट कोहली क्या कर रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। टाइम अगर 15 मिनट के, सिर्फ पोलिंग करेंगे। 11:31 में इसकी पोलिंग करेंगे। स्टार्ट हो गया। हाय सौम्या, चलो आई कैन नॉट सी यू यार, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। पोलिंग लेट्स स्टार्ट 11:31। जैकेट में तुम लोग क्या क्या है यार, जैकेट पहन लिए ना तो ओवर एक्टिंग में। तो सर जैकेट पहन लिए सर, आप जैकेट पहन लिए, अमीर हो सर, आप जैकेट नाइस लग रहा है। इतना जैकेट में क्या होता है, लोग जैकेट नहीं पहनते हो घर में? हम ₹200 की जैकेट है, उसके चक्कर में सर जैकेट है, जैकेट है। प्यूमा नहीं है, जैकेट नॉर्मल खरीदो, प्यूमा का स्टिकर चिपका लो यहाँ पे, बस दैट्स द बेस्ट थिंग। पूमा बन जाता है, पूमा, POOM। हमें नहीं मिलते ऐसे जैकेट्स, रोड में मिलेगा। रोड पे ना जब बारिश होता रहता है, तो रोड पे वो लोग बाहर ना रोड पे साइड में जैकेट का पहाड़ रखे रहते हैं, उसमें से ढूंढ के निकालना पड़ता है ऐसे जैकेट्स। जाओगे शोरूम में नहीं मिलता था जैकेट ऐसा ऐसा वाला। पार्क वार्क के बगल में जैकेट का रोड, रोड पे पहाड़ बनाया, ढूंढ के निकाल लो, ठीक है? तब मिलेगा ऐसा जैकेट। और प्यूमा का स्टिकर चिपका लो, मस्त घूमो कॉन्फिडेंस से।
रितिका तुमको आइडिया दे रहा हूँ, सब मजाक लग रहा है इनको। चीकू ठीक है यार, उसको गया था अभी मैं शाम में वो स्टिच निकलवाने के लिए। ठीक है, डूइंग फाइन। सब ब्रांडेड पहनते हैं, देख के लगता है रितिका हर देखने वाली सही नहीं होती। खाना खाना है छोड़ दो, रात में नहीं खाना खाते, इट्स अ गुड हैबिट, डोंट ईट एट नाइट। 10 पॉइंट क्या है भैया? कहाँ 10 पॉइंट दिखेगा, ये लास्ट वाला। और कौन सा 10 पॉइंट है? एवरेज मदर बॉयज स्टडी इन केवी एंड डिवीज 85%। ठीक तो है, किसी प्लस क्लास में आना दिव्यानी, आई टेक प्लस क्लास टुमारो 10 AM पे। ओके, उसमें आना। जैन हो? जैन क्यों होगा? कराएं कराएं कराएंगे, कराता हूं, विल डू इट। अरे सेट करो ना सर, सर क्या कर नहीं दीपेंद्र,
होती है डाउनलोड पीडीएफ, जब क्लास खत्म होगा उसके बाद वहां बगल में थ्री डॉट्स आते हैं, वहां पे क्लिक करना, मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ पीडीएफ। कर सकते हो हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रेश वो अच्छी बुक नहीं है, नॉट अ वेरी गुड बुक। आई वुड रिकमेंड टू स्टिक टू ऑल द मॉक सेट्स, प्रैक्टिस मटेरियल्स वहीं से सेट लो, फायदा नहीं होगा बुक सॉल्व करके। मैं अपने सेट्स कराऊंगा प्लस क्लास में। बढ़िया बढ़िया।
नोट नहीं करने का मतलब क्या? नोट तो करना चाहिए ना, बिकॉज दैट्स द वे यू सॉल्व एलआरडीएस इट ना. सारे पॉइंट्स एक बार कंडीशंस को नोट कर लिया, दोबारा पॉइंट्स नहीं पढ़े हमने, ओके. फिर उसको केसेस को मर्ज किया, दैट्स हाउ ऐसे ही हमने सीखा है एलआरडीए का सेट्स करना. ओके, तो हो जाना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है कि बस उसी तरीके से करो, तरीका फॉलो करना है यार, ठीक है. डोंट फॉलो द डोंट फॉलो डोंट मिस द वे. वे नहीं मिस करना सॉल्व करने का. ओके okay. ग्यारह 31 हो गया. तो लोग डेढ़ घंटे फिनिश किया एकदम आराम से. जैसे हम लोग क्लास में, जैसे मैं देखते हो ना, जैसे इसलिए मैं क्लास में लाइव सॉल्व करता हूँ, ठीक है. जब मैंने सेट को लाइव सॉल्व देखा होगा, बिल्कुल स्मूथली सेट को सॉल्व करते हैं, कि पॉइंट्स को पढ़ के पॉइंट. तो वही ऐसे ही मेरे क्लासेस को देखना जैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है. एंड दैट्स द वे यू शुड अप्रोच. तो वही अपने जैसे देखो, जैसा देखोगे वैसे ही हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है. तो जैसे देखते हैं वैसे ही हो जाता है. नहीं, अरे बाबा 5-15 मिनट हो गए, ये टाइम बेस्ड प्रैक्टिस है. अब पोल करेंगे बाकी, तो घर भी देखना उसके बाद कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ. फिर मतलब क्या रहेगा एलआरडी 22 मिनट दे देंगे सॉल्व करने का. तो 15 मिनट का सेट ही है, ऐसे में 15 मिनट टाइम दिया, इतना का सेट ही है. अगर देखोगे तो बहुत लोगों से 12 से 15 मिनट के बीच में हो जाएगा, सही से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो. 12 मिनट के पहले भी नहीं होगा, ठीक है. थैंक यू देवांश. चलो पोलिंग स्टार्ट किया जाए. फर्स्ट की पोलिंग ये था सेट, 15 मिनट का सेट है, 15 मिनट्स का. ए सॉरी सॉरी, मैंने गलत दबा दिया, माई मिस्टेक. सबको ग्रेसन मिलेगा, ठीक है. चलो वापस से पोल कर लेते हैं. डोंट राइट द आंसर, विल रीपोल इट. ओके, कोई 6 बाई 6 मत कर देना, ठीक है. 6 बाई 6 भी हो रहा है. सेकेंड की पोलिंग.
नेक्स्ट की पोलिंग, थर्ड की पोलिंग। फोर्थ की पोलिंग। फिफ्थ की पोलिंग। हिलार पार्ट टू। पहला मैंने पांच कोर्स लिया, मैंने पांचों का लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल ही मिल जाएगा। पहला कोर्स पजल्स फॉर कैट 23, सेकेंड है जहां पे वहां पे क्वांट एंड लॉजिक बेस्ड पजल्स हैं, सेकेंड है एलआर पार्ट वन, थर्ड है एलआर पार्ट टू, फोर्थ है डीआई, पांचवा है 50 प्रैक्टिस सेट्स। ये हर्षित को मिलता है लीजेंड का अवार्ड, और बढ़िया 6x6 किया हर्षित ने, ये टैग कभी हटने में देना अपने से, ठीक है। ऐसे कैसे किया तुमने? टॉपर तो हर्षित है। चलिए बहुत बढ़िया। ते प्रथम अश्विन प्रिया, कोई लड़कियां हैं इसमें? गुड गुड टू सी सम गर्ल्स इन दिस। प्रिया ऋषा निकी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब और ही पढ़ाई किया था, ठीक है। गुड, एक ही सीट करेंगे क्विज में, कि 20 मिनट एक्सप्लेन करने लग जाएगा इसको, 15-20 मिनट, फिर अलजेब्रा क्विज आ जाएगा, ठीक है। चलो, बट तुमने ट्राई किया होगा 15, ये सेट ऐसा है कि अगर तुम अच्छे प्रैक्टिस में हो ना, तो समवेयर बिटवीन 13 to 15 मिनट ये सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। शुरू होना चाहिए था 30 से 15 मिनट हो जाएगा, टाइम भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। नहीं कि आधा घंटा लोगे कर ही लो, आधा घंटा लोगे तो ओके, बट ये सेट ऐसा था कि 13 to 15 मिनट में हो जाना चाहिए, दो अलजेब्रा, ठीक है। चलिए कम ना नहीं हुआ था, उसमें बताते हैं कैसे, क्यों, किसके लिए। तो पहले हमको पता है कि जैसे ये आपका पता है कि ये कैटेगरी क्या है, ये आपका मैट्रिक्स बेस्ड सेट है। लीव कर दिया, क्यों लीव कर दिया? ये आपका मैट्रिक्स बेस्ड सेट है ना। मैट्रिक्स बेस्ड मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे चार कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे आपको पता है कि पांच लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, बट काफी डेटा थोड़ा हेवी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना चार, यहाँ पे सात लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स लोग हैं यहाँ पे, और इसके बाद इनका चार पैरामीटर है, तो चार चार इनको जगह सेट करना है, तो ऐसे सेट थोड़ा डेटा हेवी होते हैं, ओके। तो थोड़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, ठीक है, यू रिक्वायर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाइल सॉल्विंग सच सेट्स, ठीक है, बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो और पजल मतलब एक तो मैट्रिक्स बेस्ड पजल टाइप का है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं कैट में, ठीक है। तो तुमको पजल सॉल्व करने में यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट व्हाइल सॉल्विंग पजल, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आते ही आते हैं कैट में, जो तुमको नॉर्मल पजल्स वगैरह होते हैं ना, दे नॉर्मली टेक दिस काइंड ऑफ ये, ओके। मैथ पजल्स फॉर क्या, पजल्स आएगा, पजल्स फॉर कैट 23, उसमें क्वांट एंड लॉजिक बेस्ड पजल्स हैं, सेकंड आएगा उसका एलआर पार्ट वन, फिर आएगा उसके बाद एलआर पार्ट टू, फिर उसके बाद आएगा डीआई, फिर आएगा 50 प्रैक्टिस जो अभी करेंटली चल रहा है, ओके okay. देखो
तो यही तुम्हारा है, नाम है, स्कूल है, एस्पिरेशन परसेंटेज है यहाँ पे। ओके ऐसा कुछ है कहीं, तो ऐसा कुछ रेपोरेटरी था तो मैं ही तुमको बहुत सारा कराया था। डिफिकल्ट होता है यार, सेट मिलता है, चूज करता है, फ्रेम करना पड़ता है कभी कभी, पुराने मॉक्स के सेट पिक करने पड़ते हैं, 15 मॉक देखेंगे तो 2-3 काम का सेट मिलता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं यार। इतना एलआरडी इज नॉट दैट इजी, इसलिए तो एलआरडी की मार्केटिंग कोई अच्छी बुक नहीं है, इतना कौन मेहनत करे। ठीक है, दैट्स द रीजन। देखो तो तुम्हारे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें तुमको पहले ही बोला कि जब भी मैट्रिक्स बेस्ड सेट होता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैट्रिक्स बेस्ड सेट क्या होता है कि आपको ना यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखने होते, डोंट राइट नंबर्स हियर। ओके, मतलब डोंट राइट एनी पैरामीटर, कुछ पैरामीटर फिक्स मत करना, कि पहले नाम को सर, पहले नाम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मस्त आराम से लिख दिया, आराम से मिलन योगी ये वो 50 चीज सब लिख दिया, ठीक है नाम। उसके बाद होता है प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ऐसे हमने क्लास में भी देखा है, ठीक है, कि हमने क्लास में एक दो बार में तो दिखाया भी था फिक्स करके कि क्या प्रॉब्लम हो गया था, कहाँ फंस गए थे, तो हमको पता नहीं कि किसका पैरामीटर ज्यादा, तो टेक इट एज इट कम्स। तो जैसे टेक इट एज इट कम्स, जो जो डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे, ठीक है, जो जो डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ना कुछ नहीं करेंगे, देखो ना आराम से, जो टेक एज इट कम्स, राइट, द बॉय एस्पायर्स टू बिकम एन इंजीनियर स्टडीज इन केवी। हाँ, तो आपको पता है कि इंजीनियर है केवी में है, फाइन, ठीक है, तो इंजीनियर है केवी में है, तो अभी फिलहाल फंड को बाहर रखते हैं, पता नहीं किस में फिल करना है, तो विल जस्ट ट्राई टू फिल कि तुम्हारा वो बॉय इंजीनियर है एंड इज इन केवी, तो इंजीनियर और केवी स्कूल में, फाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्या है, नीलेश स्टडीज इन सैनिक, तो नीलेश है यहाँ पे सैनिक स्कूल में, सो नीलेश इज स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मिलन हु एस्पायर्स टू बिकम एन एक्टर गॉट लेस मार्क्स देन नीलेश। ओके, तो मिलन को नीलेश से लेस लेस मार्क्स आया, तो मिलन को नीलेश से लेस लेस मार्क्स आया एंड इज एन एक्टर। ओके, इज एस्पायर्स टू बी एन एक्टर। द बॉय हु गॉट 83% स्टडीज इन डीएवी, तो 83% इज इन डीएवी, राइट। देखो अब आपको यहां से समझ में आएगा ना कि काफी क्या क्या डेटा मेरे पास दिया हुआ है। ओके, तो इंजीनियर, एक्टर, ओके, नेम एंड और क्या दिया है मेरे पास, अगला तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, परसेंटेज एंड देन अगेन इंजीनियर, ठीक है। तो तुम अब यहाँ पे ना कोई फिक्स मत करो, बट तुम एक चीज लेके स्टार्ट कर सकते हो फिल करना, ठीक है, कि तुमको स्कूल, और तुमको देखिएगा काफी जो डेटा हेवी है ना वो स्कूल और एस्पिरेशन को लेकर डेटा हेवी है, कि कौन सा स्कूल और कौन सा एस्पिरेशन, ठीक है। स्कूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे डीएवी है, सैनिक है, केवी है ना, तो इन स्कूल से स्टार्ट कर सकते हो फिल करना, राइट। कुछ फिक्स मत करो, फिल करना स्टार्ट कर दो। जैसे बोलोगे इसको फिल कर सकते हो सर, ये केवी है, केवी स्कूल यहाँ डाल देते हैं, ये कौन सा है, इंजीनियर, यहाँ वाला, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर बोलोगे तुम्हारे यहाँ पे नीलेश कौन सा है, सैनिक स्कूल है, डाल देते हैं, बोलो ठीक है सैनिक स्कूल, ये स्कूल का नीलेश हो गया, यहाँ पे नेम नीलेश, राइट, ये भी खत्म। बोलोगे मिलन इज एन एक्टर एंड ही गॉट लेस मार्क्स देन नीलेश। अब मिलन जहां पे तुम्हारा कोई एक्टर है, ठीक है, अब अभी छोड़ देते, रुक जाओ इस पॉइंट को, 83% डीएवी, तो लोगे ठीक है डीएवी डाल देते हैं यहाँ पे एंड 83%, है ना। तो अब तुम्हारा काफी यहाँ पे काम हो गया, अब मिलन वाला मार्क्स छोड़ दे, मिलन इज एन एक्टर एंड गॉट लेस, 83 डीएवी वाला काम भी हो गया, ये पॉइंट बचा हुआ मेरा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी फिक्स नहीं किया है, आई एम नॉट कम्प्लीटली फिल्ड नाउ। तो स्कूल वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि स्कूल जो है ना इसको हम इजिली फिल कर सकते हैं, तो स्कूल यहाँ पे मैट्रिक्स था जिसे हमको स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है, अभी स्टार्ट करना चाहिए था, तो ज्यादा सेट ज्यादा स्मूथली सॉल्व होता अगर स्कूल से फिल करना स्टार्ट करते तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, फाइन, आगे बढ़ो। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वी हैव डन दिस, यहाँ तक हमारा हो गया, डॉक्टर गॉट 91%। अब पता नहीं तुमको डॉक्टर कौन हटा देते हैं, बाहर ही लिख लो इस पॉइंट को, देखो डॉक्टर है, इसको 91% आया मार्क्स है, फाइन, अच्छा। फिर आगे तुम्हारा क्या पॉइंट लिखा हुआ है, The boy was an engineer got less marks than नीलेश, जो भी इंजीनियर है उसको लेस मार्क्स है नीलेश है, ठीक है। अब देखो ये नीलेश वाला बंदा है, इसको इससे लेस मार्क्स है, बोलोगे सर इससे उसका है, सो इंजीनियर हैज गॉट लेस, तो इसको ना यहाँ पे लेस मार्क्स आएगा, ठीक है, लेस मार्क्स है यहाँ पे ये वाला बंदा, ठीक है, जस्ट फिल दिस हियर, लिख लो यहाँ पे, इसको इससे क्या है, लेस मार्क्स है, ओके फाइन, मार्क्स में तो जो लिखा है लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बताता हूँ मैं एक बार सॉल्व कर दूँ मोनिका, फिर बताता हूँ एक मिनट, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेस मार्क्स है यहाँ पे, देन एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ योगी एंड हरी इज डिविजिबल बाय 11, तो बोलोगे दैट मीन्स योगी एंड हरी का जो एवरेज है वो डिविजिबल है 11 से,
11 का मल्टीपल है, बोलोगे दैट मीन्स योगी प्लस हरी इज अ मल्टीपल ऑफ 22, तो योगी और हरी का मिला के 22 का मल्टीपल है, तो योगी और हरी का देखो मास कितना है, लिख लो एक बार मास क्या क्या है देख लो, तो लिख लो कि मास आपके 91 है, कितने हैं यार 91, 89, 87, तो 91, 89, 87, ठीक है, फिर क्या है आपके 85, 83, 81 है, 85, 83 एंड 81 है, आपको चेक करना है कि y प्लस h 22 का मल्टीपल होना है, तो बोलोगे पेयर्स को ऐड करके चेक करो, तो बोलोगे 81 प्लस 83 तुम्हारा होता है 164, तो 22 का मल्टीपल नहीं है, 81 प्लस 85 इज 166, ये भी 22 का मल्टीपल नहीं है, 83 प्लस 87 इज 170, ये भी 22 का मल्टीपल नहीं है, एक बार ना तुम देखो देखेगा सारे तुम्हें, तो तुमको यहाँ पे क्या लिखेगा कि सारे यहाँ पे 80s में है ना, और तुमको कोई पेयर लेना है, तो तुम क्या करो यहाँ पे 22 का मल्टीपल चेक करो 80 के, 80 इंटू 2 के अराउंड में, ठीक है, तो 80 क्योंकि 80 का डबल करना है तुम्हें, तो 22 का मल्टीपल करो 82 के अराउंड में, तो देखोगे 22 7 जा 154, 22 8 जा 176, तो तुमको क्या लग रहा है कि 22 8 जा 176 आना चाहिए, दैट्स द ओनली मल्टीपल, क्योंकि हम दो 80s को ऐड कर रहे हैं राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ हम दो 80s को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो 80s को ऐड कर रहे हैं, तो आप बोलोगे दो 80s को ऐड कर रहे हैं तो 80 प्लस 80 इज 160, तो 22 का मल्टीपल जस्ट आफ्टर 160 करेक्ट रहते का, ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 176 आ जाएगा, तो नाउ 89 प्लस 87, तो 89 प्लस 87 आपका 176, तो बोलोगे योगी प्लस हरी है ये, ओके इनको 89 और 18 आपका 87 भी आ सकता है, और या तो बोलोगे 85 प्लस 91 भी 176 है, बोलोगे इनको 85 और 91 भी आ सकता है ना, तो ये हमने किस पॉइंट को डिकोड किया, हमने यहाँ पे इस पॉइंट को डिकोड किया 11 वाले पॉइंट को, आगे बढ़ते हैं, अंकित डज नॉट एस्पायर टू बिकम एन इंजीनियर ऑल्सो ही डज नॉट गेट दी हाईएस्ट परसेंटेज, लिख लेंगे यहाँ पे, अब तुमको पता नहीं कि यहाँ पे अंकित कौन है, आई डोंट नो यार हु इज अंकित राइट, तो अब अंकित यहाँ पे, अंकित इज नॉट एन, हमको क्या पता है कि अंकित इज नॉट एन इंजीनियर लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट मीन्स अंकित क्रॉस हो जाएगा, सो अंकित इज अंकित एल क्रॉस हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है ओके, अब देखो यहाँ पे क्या अंकित यहाँ पे डीवी में आ सकता है, तो अंकित का कोई पॉइंट है वैसा डीवी में आने का, अंकित 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 कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, नो पॉइंट इज गिवन, ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी, सो अंकित दस एंड अंकित डिड नॉट गेट दी हाईएस्ट परसेंटेज, तो कहीं पे हम 91, अब कहीं पे हम 91 फिल करेंगे और लिख लेंगे कि अंकित को ना 91% तो नहीं आया है, अभी आगे के पॉइंट देखते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज आगे भी देखना पड़ेगा हमें, ओके सो लुक एट फर्दर, वी लुक इन फर्दर पार्ट्स आल्सो, हम अभी ये कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे, यहीं पे बना लेंगे केसेस, अभी आगे नहीं पता ना आगे क्या पॉइंट्स हैं, और जब कुछ अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट हो आगे में, पहले पॉइंट्स पढ़ लो, तो यहाँ तो अलग हो गया, द बॉय हु डज हु एस्पायर्स टू बिकम अ टीचर गॉट लेस मार्क्स देन द बॉय हु एस्पायर्स टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड मोर मार्क्स देन द बॉय हु एस्पायर्स टू बिकम पायलट, ठीक है, तो देखा क्या लिखा है, टीचर गॉट लेस मार्क्स देन साइंटिस्ट, लिख लेते हैं यहाँ पे, सो टीचर हैज गॉट लेस मार्क्स देन साइंटिस्ट और टीचर हैज गॉट मोर मार्क्स देन पायलट, ठीक है, सो टीचर हैज गॉट मोर मार्क्स देन पायलट राइट, तो यहाँ पे पता नहीं कि टीचर हमारा कौन है फिलहाल, ओके ठीक है ग्रेट, आगे छोड़ दो, इस पार्ट का भी बाद में काम आएगा, ओके The average of the marks of the boys who studied in KV and DPS is 85%. ठीक है, अब KV and DPS is 85%. मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अब बोलोगे कि KV plus DPS is how much? तो KV plus DPS is 85 into 2. तो 85 into 2 is 170. तो बोलोगे 170 कैसे कैसे आएगा यहाँ पे? तो KV और DPS का सम 172 होना है, 170 होना है. तो 89 and 81 and 83 and 87. तो ऑब्वियसली 83 तो नहीं हो सकता क्योंकि 83 इज ऑलरेडी टू DAV राइट है ना, तो बोलोगे 83 तो हो नहीं सकता, तो एक ही बचा पॉसिबिलिटी, क्या बचा, इट कुड बी 89 एंड 81, पता नहीं कौन किधर है ये नहीं पता मुझे, ठीक है, बट हैज टू बी 83 नहीं, क्योंकि 83 इज ऑलरेडी टू DAV, तो ये नहीं हो पाएगा राइट, ठीक है हमने ये पॉइंट में खत्म कर लिया, आगे बढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द बॉयज हु स्टडी इन लोरेटो एंड सैनिक इज 86%, लोरेटो एंड सैनिक स्कूल, दो स्कूल के बारे में बात हो रहा है और ये दोनों स्कूल अभी तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट इज नॉट टिल नॉट डेट, अब हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मान लो हमने यहाँ पे DPS फिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है तो कुछ भी हमारे पास फिल कोई दिक्कत नहीं फिल करने को, ठीक है, हाँ सैनिक है सॉरी, DPS फिल कर दिया हमने
और एक हमें नहीं पता लोरेटो होगा, तो एक डीपीएस है ऐसे पक्का है आपका। ओके अब बोलोगे लोरेटो प्लस सैनिक स्कूल, तो लोरेटो प्लस सैनिक स्कूल इज 86% राइट। तो लिखोगे यहाँ पे लोरेटो प्लस सैनिक स्कूल का सम कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा ना। तो अगर अब लोरेटो प्लस सैनिक का सम 172 है, और आपको देखो यहाँ पे क्या पता है ना कि इस वाले बंदा को इससे लेस नंबर भी आया था, ये भी आया था लेस, ये पता था हमको यहाँ पे कि इसको लेस नंबर आया था ना, बोलो ये सुन लो। तो ये तुम्हारा लेस नंबर था ये वाला राइट। तो अब जब तुम्हारा ये लेस नंबर था तो ऑब्वियस ही बात है, और यहाँ पे एक और भी इनफैक्ट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यार कौन सा पॉइंट था यहाँ पे, वी हैव गॉट वन मोर पॉइंट। हाँ देखो ये वाला पॉइंट, नाउ मिलन वाज एन एक्टर एंड ही गॉट लेस मार्क्स देन, हमने इसको क्रॉस नहीं किया, वी डिडंट क्रॉस दिस पॉइंट राइट, हमने इसको क्रॉस नहीं किया था। तो मिलन इज एन एक्टर हु गॉट लेस मार्क्स देन नीलेश, तो मिलन को नीलेश से लेस मार्क्स आया है राइट। आपको क्या पता है कि नीलेश का ये नंबर यहाँ पे है और इससे भी कम कोई नंबर है यहाँ पे, तो सबसे कम नंबर क्या है मेरे पास बताओ। तो सबसे कम नंबर मेरे पास 81 है मेरे पास, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 81 तो होएगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, 81 तो यहाँ पे नहीं होएगा दो वे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे 81 नहीं होएगा तो अब आपको क्या पता है कि केवी और डीपीएस का 81 89 सो ना यहाँ पे, देखो देखो तो बोलोगे केवीएस केवी और डीपीएस का 89 81 है ना। तो अगर केवी और डीपीएस का 81 और 89 है तो ये वाला मार्क्स को इससे लेस आया है, समझ ना, ठीक है ना। यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे केवी एंड डीपीएस इज 81 एंड 89, ऑब्जर्व करोगे इस पॉइंट को तो आपका जो केवी का मार्क्स है ये इससे लेस है इस वाले से, और हमें यहाँ पे 81 और 89 फिल करना है राइट। तो इससे आप क्योंकि 89 से ज्यादा ज्यादा एक ही है 91 है ना, और तो कोई है भी नहीं यहाँ पे करेक्ट, तो आप तो यहाँ पे एनी हाउ 91 तो फिल कर ही नहीं सकते हो इन दोनों को। तो अगर हम 91 फिल नहीं कर सकते हैं तो व्हाट आई कैन फिल इज फॉर श्योर 89 फिल करेंगे यहाँ पे, इट हैज टू बी 89, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसका ये वाला मार्क्स जो है इससे, सॉरी 89 बोल रहा हूं मैं, 81 ठीक है, इट हैज टू बी 81 राइट, क्योंकि ये वाला मार्क्स को इससे लेस होना है। ओके तो एक आपका केवी और डीपीएस से क्या बनना है, 81 और 89 बनना है राइट। और एनी हाउ आपको पता है कि ये वाला आपका 91 तो क्योंकि ये इससे ऑलरेडी लेस है तो आपका यहाँ पे 91 हो नहीं सकता। आप बोलोगे सर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम यहाँ पे फिल कर दें 91, बोल सकते हो ऐसा ठीक है, और यहाँ पे फिल कर दें 89, बोलो हो सकता है ना, ये तुम बोलोगे सर भले हो सकता है कि हम यहाँ फिल कर दें 91 और यहाँ फिल कर दें 89, तो बोलोगे सर 91 से कम तुम्हारा यहाँ पे क्या 89 है ना। बट इसका इसका यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा था कि मिलन इज एन एक्टर एंड ही गॉट लेस मार्क्स देन नीलेश राइट। तो अब इस ये अगर आपने यहाँ पे 91 फिल कर लिया है तो आपका ये जो बन रहा था पॉसिबिलिटी ये योगेश प्लस हरि का है ना, ये आपका 89 या 87 में से बन रहा था राइट। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 89 या 87 और अगर मैं फिल करता हूँ यहाँ पे 85 या 91, दोनों में से एक ही पॉइंट फिल करेंगे ठीक है, और हमें ये बीच का डेटा भी फिलहाल नहीं पता है, बीच का भी नहीं पता है मेरे को। ओके तो देखो अब ना अब बोलोगे किस पॉइंट के बेसिस पे इसको एलिमिनेट करेंगे, तो अगर मेरा ये 91 है और अगर ये मेरा 89 है तो मैं अभी इन दो केस को लेके कंफ्यूज हूँ ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा ठीक है, लेट्स कीप इट असाइड, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक 91 और 89, यही हमारा कहानी है। तो लेकर ठीक है 91 और 89, आपको क्या पता है कि 91 सिर्फ डॉक्टर को आया था ना, बोले सुनो किसको आया था, बोलो डॉक्टर को आया था ठीक है, अरे वही उल्टा कर लो अब कोई बात नहीं ठीक है। तो बोलोगे तुम्हारे डॉक्टर को आया था, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये 91 89 ठीक है, तो आप बोलोगे जो 91 था वो सिर्फ डॉक्टर को आया था ना ठीक है। तो अगर आपका 91 डॉक्टर, ये फॉर श्योर डॉक्टर होना पड़ेगा उस केस में राइट ठीक है। तो देखो इस दो केस को साइड में रखो यहाँ पे, और यहाँ पे स्कूल्स क्या क्या बचे मेरे पास, स्कूल्स बच गए लोरेटो और जेवियर बच गए है ना। अब मुझे फिलहाल पता नहीं है कि यहाँ पे मुझे क्या फिल करें, व्हाट शुड आई फिल हियर, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मुझे इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे योगेश और हरि का 89 या 87 में से कोई था ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ना 80, अगर आप यहाँ पे ये वाला 89 लेते हो ठीक है, तो योगेश और हरि का मार्क्स क्या हो जाएगा, 85 और 91 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना ठीक है।
एक तो इस ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपको कोई एक केस को लेके पहले आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है? लेट्स टेक वन केस एंड मूव अहेड, राइट? हाँ, कैसे लो दिख रहा है, बट ना ऐसे क्या होता है कि इस केस में क्या करना चाहिए कि इस केस को स्टार मार्क दे दो कि सर यहाँ पे 89 और 91 भी हो सकता है और हम इसको स्टार मार्क देके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? एलिमेंट आगे हो जाएगा, बट ना आपको देखो जब भी दो केस फंसते हो ना तो एक केस को लेके आगे बढ़े हो, क्योंकि दैट्स द बेस्ट पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर दो केस में एक केस को लेके आगे बढ़ोगे ना तो या तो वो केस सही हो जाएगा, और अगर वो केस गलत हो गया तो आप बिल्कुल कंफर्म रहोगे अगला वाला केस सही है, ठीक है? ये पूरा केस ही बनाना है। मैट्रिक्स में कभी भी दो केस ही बनाते, बहुत गंदा हो जाएगा। फिर मेक टू केस इन मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा, चार चार का बनाओगे चार और बनाओगे, ठीक है? वो बहुत गंदा हो जाएगा। डोंट मेक टू केसेस मैट्रिक्स में, कभी भी तुमको ज्यादा मल्टीपल केसेस आएगा भी नहीं आएगा। वही वही बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ, बट ना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये रह गई यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे केवी का मार्क्स है वो 81 है ना, केवी का इससे लेस होना है, तो केवी और डीपीएस का 89 और 81 होना था। तो अगर आप यहाँ पे 81 फिल करते हो तो यहाँ पे 89 फिल करना पड़ेगा, वन पॉसिबिलिटी है ना, तो ये तो सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है, तो सर यहाँ पे अगर हम 90 फिल कर दें तो फिर यहाँ पे नहीं भी तो हो जाएगा ना, ये भी तो अभी अभी तक हमने इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया है, राइट? ये भले आगे जाके एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? तो तुम ये तो फिलहाल कर सकते हो ना, अभी आगे चेक करेंगे, बट अभी तो कर सकते हैं, राइट? अभी तो कोई पॉसिबिलिटी, अभी तो हमने हटाया ही नहीं इस चीज, इस पॉइंट को। तो अब मैंने वही तुमको यही अब हम समझेंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पे जो दो पॉइंट मेरे पास बचे हुए थे, लास्ट लास्ट वाले क्या पॉइंट है, देखो यहाँ पे लिखा था ना लोरेटो और सासैनिक वाला, कहाँ लिखा हमने उस पॉइंट को यार, लोरेटो एंड, हाँ देखो, तो लोरेटो प्लस सैनिक का सम तुम्हारा क्या है, 172 है, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है? अब अगर लोरेटो और सैनिक का सम आपका 172 है तो अब सैनिक अगर 91 आ गया है तो फिर लोरेटो को 81 होना पड़ेगा। गेटिंग दैट पॉइंट ऑल ऑफ यू, है ना? तो आप बोलोगे सर अगर आपने यहाँ पे 91 अगर आप फिल करोगे तो उसको उस केस में लोरेटो यहाँ पे फिल कर लेते हैं, ठीक है? और आपका क्या बच गया, जेवियर बच गया यहाँ पे, ये दो स्कूल बच गए यहाँ पे, राइट? तो मैंने बोला कि अभी आप एक केस को आगे लेके बढ़ो, लेट्स ट्राई टू कीप 91 एंड 89 असाइड, ठीक है? और हम 81 और 89 को लेके आगे बढ़ते हैं और इसको हमने यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया है, ठीक है? कि आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ टेल मी, लोरेटो और सैनिक के लिए क्या केस वाला मार्क्स इससे लेस होना था, तो लोरेटो और सैनिक के लिए मेरे पास 172 बचा हुआ है। तो व्हाट इज 172 बताओ, व्हाट इज 172? बोलोगे 87 एंड 85, कितना बचेगा? बोलो 172 इज 87 एंड 85, राइट? ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो 172 तो सम क्या होगा, लोरेटो प्लस सैनिक, कहाँ लिखे इसको, यहाँ लिखे, यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो स्पेस कम है यार, लोरेटो प्लस सैनिक इज 87 प्लस 85, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है? 83 कैसे होगा, 83 तो डीवी का है ना, कुछ भी, ठीक है? तो अब तुम्हारा, अब तुमको पता है कि ये इससे लेस है, तो आपको पता है 87 और 85 करना हमको करना है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे ये वाला जो मार्क्स है, सबको ध्यान देना इस पार्ट को, ठीक है? मिलन इज एन एक्टर एंड ही गॉट लेस मार्क्स देन निलेश। मिलन एक एक्टर है और उसको निलेश ने लेस मार्क्स आया था, तो हमारे पास देखो बचा क्या है ना, व्हाट आई एम लेफ्ट टिल नाउ, आई एम लेफ्ट विद 87, आई एम लेफ्ट विद 85, आई एम लेफ्ट विद 91, मेरे पास यही केस बचा हुआ है और तो कुछ बचा नहीं है। हमने तीन डेटा फिल कर लिया, 81, 83, 89, आई एम लेफ्ट विथ 87, 85 एंड 90, मेरे पास तीन चीज बचा बचा हुआ है यहाँ पे, राइट? अब अगर हम 91 को यहाँ हमने फिल नहीं किया तो हमें 91 को नीचे फिल करना पड़ेगा, 89 यहाँ फिल हो गया ना, 89, 18, केवी प्लस डीपीएस इज 81 प्लस 89, केवी प्लस डीपीएस, ठीक है? ओके, अब तुमने 91 को यहाँ पे फिल नहीं किया, तुम्हें 91 को नीचे फिल करना पड़ेगा। नीचे कैसे फिल करोगे, बोलोगे इसका दो केस बन जाएगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, योगेश और हरी है, इनका क्या केस है हमारा, 85 और 91 है ना? तो अगर इनका केस 85 और 91 है, तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे तुम यहाँ बोलोगे एक का, क्योंकि हमें इनका पता नहीं है केस, राइट? तो बोलोगे योगेश और हरी का 85 91 मुझे नहीं पता है, हम 91 यहाँ पे फिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सुनो सुनो सुन लो यहाँ पे, ठीक है? तो आप बोलोगे योगेश और हरी का हमारा लास्ट में 85 और 91 कंफ्यूजन रह गया, 85 91 इसको भी हो सकता है, 91 और 85 इसको भी हो सकता है, राइट? इनका सब्जेक्ट फिलहाल मुझे नहीं पता, बट इनमें से कोई एक डॉक्टर भी होगा ना, बोलो यस और नो, कोई जो डॉक्टर होगा, क्योंकि डॉक्टर होना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज़ क्योंकि डॉक्टर को 91% था।
अगर डॉक्टर को आपका 91% था योगेश, और कोई अभी इनका पता नहीं कि और दूसरा वाला बंदा कौन है, ठीक है, आई डोंट नो हु इज दैट हियर, ओके हु इज द पर्सन हियर, एक मिनट, ठीक है, अब तुमने यहाँ पे क्या किया, तो अब तुम्हारा ये डेटा सेट कर रहा है, अगर तुम्हारा ये डेटा सेट कर रहा है, हाँ हाँ चेक कर दो, अब तुम्हारा अगर ये डेटा सेट कर रहा है यहाँ पे, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम क्या बोलेंगे, सुनो, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सर मिलन का जो मार्क्स था ना वो इससे कम था, किससे कम था, नीलेश से कम था, तो यहाँ पे क्या मार्क्स बचा मेरे पास, यहाँ बचा 87, अब अगर मिलन का मार्क्स 87 से कम था तो मिलन 83 पे आ जाएगा, ठीक है, मिलन का मार्क्स क्या तुम्हारा 87 से कम था, इट वाज हिज मार्क्स वाज लेस देन नीलेश एज एन एक्टर एंड इज एन एक्टर, तो नीलेश तो आपका 87 है, तो फिर मिलन एक ही बचेगा, 83 के लिए बचेगा मिलन, यहां तो मिलन को डाल नहीं सकते हो यहाँ पे, तो बोलोगे इन दैट केस मिलन एक्टर यहाँ पे ये बंदा हो जाएगा, अगर ये बंदा एक्टर है तो अब ये पॉइंट को यूज करो कि टीचर का स्कोर लेस है साइंटिस्ट से, टीचर का स्कोर ज्यादा है पायलट से, तो अब टीचर का क्या बचा यहाँ पे, तो बोलोगे 87, मेरा फाइट कहाँ बचा 87, 85, 91, तो हमको इतना तो श्योर हो गया ना यार कि टीचर मिडिल में है, तो अगर टीचर मिडिल में है तो टीचर पक्का पक्का 87 होगा, क्योंकि टीचर 91 से कम है और 85 से ज्यादा है, तो तुम्हारा टीचर क्या है यहाँ पे, टीचर का स्कोर साइंटिस्ट से ज्यादा है, एक से साइंटिस्ट से कम है और एक से पायलट से ज्यादा है, दैट मीन्स मिडिल में है, तो ये पक्का श्योर हो गया कि ये जो बंदा ये टीचर है, ये पक्का श्योर हो गया, अगर तुमको ये श्योर है कि ये टीचर है तो फिर तुम्हारा ये जो बंदा, तुमको पता क्या चल गया कि नाउ अब पायलट कौन हो सकता है, ये पायलट हो सकता है, हु कैन बी द पायलट जिसका इसका आपका 85 वाला मार्क्स है, तो अब हमको पता नहीं कि 85 यहाँ पे 85 यहाँ पे, तो हम बोलेंगे पायलट ये भी हो सकता है और पायलट ये भी हो सकता है, तो लास्ट हमको क्या मिल गया यहाँ पे, आई गॉट लास्ट टेस्ट कि ये बच गया साइंटिस्ट और ये बच गया अंकित, ठीक है, तो ये हमारा एक सेट सॉल्व हुआ, ये हमारा एक सेट सॉल्व हुआ और हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज सैम ईयर, जो सैम बच गया वहां पे हमने उसको लिख दिया, तो ये एक सेट सॉल्व हुआ हमारा यहाँ पे, और हमारा ये वाला केस एक बार चेक करना है हमें कि क्या यहाँ पे नीलेश का 91 हो सकता है और क्या यहाँ पे सैम का 89 हो सकता है, हम ये भी चेक कर लेंगे कि क्या ये नाइन, हमने स्टार मार्क दिया हुआ है हमने यहाँ पे कि क्या ये 91 हो सकता है, और अभी चेक कर लेते, आई विल चेक क्विकली, ओके, डॉक्टर का 91 है, बट उनको डॉक्टर पता नहीं कि इनमें से कौन है, आई हैव टू मार्क हियर लोरेटो और जेवियर, और जेवियर और लोरेटो मुझे ऐसा मार्क करना चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज मुझे यहाँ पता नहीं है कि इसमें डॉक्टर, हमको पता है कि डॉक्टर का 91 है बट डॉक्टर है कौन, हु इज द डॉक्टर, लोरेटो को 91 नहीं दिया मैंने, समझो यहाँ पे ये इस कॉम्बो का मतलब क्या हुआ, इस कॉम्बो का मतलब ये हुआ, सुनो सुनो, इस कॉम्बो का मतलब ये हुआ कि लोरेटो कैन बी पायलट, सुन लो भैया एक बार, लोरेटो कैन बी पायलट कैन बी 85, ठीक है, लोरेटो कैन बी डॉक्टर कैन बी 91, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, जेवियर कैन बी डॉक्टर कैन बी 91, जेवियर कैन बी पायलट कैन बी 85, हमें ये नहीं पता कि इनमें से लास्ट में दोनों में कौन है, ये हमें नहीं पता लास्ट तक, ठीक है, लोरेटो 80, अबे लोरेटो 85 नहीं, लोरेटो को ये फिर समझे नहीं क्या बोला मैंने, इसका मैं नहीं फिक्स करा, देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमें नहीं पता चला अंत तक, लोरेटो आप करे को, लोरेटो का कॉम्बो क्या है, यू व्हाट यू नो हियर दैट कि लोरेटो प्लस सैनिक इज 172, हाँ ठीक है, इतना टाइम है ना अभी, 12:05 है ना, है ना, दो तीन देखो ना, 2-3 मिनट, मैंने यहाँ पे क्या बोला, लोरेटो प्लस सैनिक इज 172, ठीक है, तो अगर तुम्हारा ये 172 है, कौन सा, लोरेटो प्लस सैनिक, हु इज सैनिक हियर, तो बोलोगे आपका ये वाला बंदा है ना, तो लोरेट, अगर ये 172 है तो ये 172 कैसे आएगा, हाउ डू यू गेट 172, बोलोगे 172 आएगा 83 प्लस 89 से आएगा, आएगा ना यार, तो आपका बोलोगे लोरेटो प्लस सैनिक का ये कैसे आएगा, या तो 83 प्लस 89 आएगा, या तो 85 प्लस 87 आएगा, या तो 81 प्लस 91 आएगा, तीनों पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, तो राइट, तो जो हमने यहाँ पे 81 केवी को फिक्स किया था, तो मैंने यार आई कैन नॉट गिव दैट लोरेटो दैट नंबर, लोरेटो एंड सैनिक का 87-85 होगा, सैनिक का 87 है तो लोरेटो 85 भी आ गया, नहीं समझे,
इस कॉम्बो का मतलब देखो क्या होता है, बताता हूँ। ये मैंने क्या लिखा है, यहां समझो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लोरेटो वाला बंदा, ठीक है, लोरेटो वाला बंदा डॉक्टर, करेक्ट, डॉक्टर इज 91, इधर मैंने लिखा है यहाँ पे डॉक्टर इज 91, तो डॉक्टर तुम्हारा 91 ही फिक्स हो गया, बट तुमको डॉक्टर फिक्स नहीं होगी कौन है, ये कैसे फिक्स होता है, ये योगी है डॉक्टर की हरी है, क्या ये फिक्स हुआ क्या कि डॉक्टर कौन है, नहीं फिक्स हुआ ना, तो ये हमें नहीं पता चला यहाँ पे कि अंत अंत तक डॉक्टर डॉक्टर 91, सो आई एम डन विद डॉक्टर एंड 91, तो हम ये डॉक्टर 91 पक्का है, ठीक है, अरे यही डबल एरो का मतलब ये होता है, ठीक है, डॉक्टर 91 पक्का है, राइट, पायलट 85 पक्का है, ठीक है, बट ये योगेश और हरी में से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन है, ओके, दैट आई नॉट एबल टू डिसाइड, ओके। अब अगर ये उल्टा हरी ऊपर आएगा तो फिर आपका स्कूल भी सफल हो जाएगा, स्कूल सफल हो जाएगा ना यार, नहीं होगा स्कूल सफल, होगा कैसे नहीं होगा, देखो लोरेटो प्लस सैनिक का जो सम कितना है, 172 है सम, है ना, नाउ व्हाट आर हु इज लोरेटो, अब लोरेटो वाला मार्क्स वहां कितना होगा, तुम लोग सर यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी आ रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, 81 91 89 83 है ना, एंड साथ में 87 85, सब सबका सम है ना यार, ये तीनों का ही सम है, इन तीनों का, ये तीनों शफल हो सकते हैं आपस में, गेटिंग इट, सो ऑल थ्री कैन बी शफल्ड, तुम बोलोगे इसमें एक केस हटा देंगे क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि 83 आपका नहीं, क्योंकि 83 इज फ्रॉम डीएवी, ये हमको पक्का पता चल गया है, तो बोलोगे ये हटा दिया हमने केस, लेट्स से उधर 83 डीएवी वाला केस, बट अब मेरे पास तो होगा ना क्योंकि 81 एंड 91 एंड 87 एंड 85 मेरे पास दो चीजें होंगी यहाँ पे, स्कूल फिक्स करके अगर नेम को वेरी करेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, नहीं, कंफ्यूजिंग कैसे नहीं, तुम फिर तुम केसेस मिस कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे ये है ही नहीं, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, देखो मैंने पहले स्कूल ही फिक्स किया था, तुम ना तुम लोग ऊपर में यहाँ पे तुम देख के, तुम इस कॉम्बो का मतलब समझो, इस कॉम्बो का मतलब है कि तुम्हारा देखो लास्ट में फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, तुमने तुमने केस मिस कर दिया अगर तुमने वो काम किया है तो, ये फॉर श्योर यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये लोरेटो और जेवियर का जो बंदा है, हमें यहां तक लास्ट लास्ट तक नहीं पता कि देखो ये दैट कॉम्बो कैन बी 81 91 ऑल्सो एंड दैट कॉम्बो कैन बी 85 87 ऑल्सो, दोनों कॉम्बो मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, जब हमने 81 केस केवी को दिया है, हाँ व्हेन आई गिवन दैट 81 केस टू केवी, तो अगर 81 केस मैंने केवी को दागो दे के, तो आपका 89 डीपीएस को आ रहा है, ये वाला केस में आ रहा है ना, तो बोलोगे 81 और 89 तो हमने और 83 दिया है एंड वी हैव गिवन 83 टू डीएवी, तो बोलोगे हमने 81 और 89 हमने दे दिया है केवी और डीपीएस, तो क्या दिया हमने 81 और 89, तो बोलोगे 81 तो पॉसिबल नहीं है, तो 91 भी पॉसिबल नहीं होगा, तो 87 और 85, और ये आपस में शफल कर सकते हैं ना, लोरेटो कैन बी 87 सैनिक कैन बी 85, समझ में आया तुमको, लोरेटो कैन बी 85, अब तुमको पता है कि लोरेटो यहाँ पे 85 ही है, क्योंकि लोरेटो का लोरेटो कांट बी 87, राइट, इट कांट बी 87, तो तुम्हारा लोरेटो क्या, लोरेटो इज ऑलवेज 85, तुम्हारा 85 है यहाँ पे, ओके, तो लोरेटो इज 85, बट वो बंदा पायलट भी हो सकता है ना, लोरेटो से पायलट कैन बी 85 और लोरेटो से डॉक्टर कैन बी 91, समझ रहे हो, एंड दैट पर्सन कैन बी योगेश और हरी, हमें ये भी नहीं पता, तो लोरेटो से पायलट, लोरेटो से डॉक्टर कैन बी 91, लोरेटो से पायलट कैन बी 85, क्यों ये कहां लिखा हुआ है, डॉक्टर डॉक्टर तो 91 लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा इससे डॉक्टर है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने मैंने कोई पॉइंट मिस किया क्या लास्ट में, हाँ मैंने बोला लोरेटो से डॉक्टर कैन बी 91 और लोरेटो से पायलट कैन बी 85, मैं ये तो बोल रहा हूं, कहा मैंने फिक्स किया, सॉरी, हाँ यस यस करेक्ट, लोरेटो कैन बी 91, करेक्ट करेक्ट, लोरेटो कैन बी 91 बिकॉज लोरेटो इज, इसको लिखेंगे कैसे यार, देखो मैं लिखा सही है, इसको लिखोगे कैसे टेबल में, हाउ डू यू राइट दिस इन टेबल, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, चलो तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि लोरेटो जेवियर, लोरेटो को तुम डाल सकते हो यहां पे 85,
तो लोरेटो को 85 डाल सकते हो, ओके। जेवियर को तुम 91 डाल सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, 91 डाल सकते हो। बट फिर ये कैसे तुमको पता कि तुमको जेवियर को 91 डाल सकते हो? तो जेवियर तुम्हारा हो गया डॉक्टर, तो लोटो हो गया पायलट। अच्छा ये फ्लास्ट में फिक्स हो जा रहा है, ये बोलना चाह रहे हो? लोरेटो पायलट 85, ये पक्का है? क्योंकि मैंने साल के तो फिक्स नहीं हो रहा था यार। योगेश और हरी, हाँ योगेश हरी से फिक्स नहीं होंगे। लोरेटो पायलट 85, एक मिनट रुक जाओ। फिर कहे कहां से सीबीडी हो जाएगा? लोरेटो इज 85, जेवियर इज 91। हाँ लेकिन फिक्स तो हो ही जा रहा है, फिर सीबीडी का है यहाँ पे? वाई उन्होंने सीबीडी क्यों दिया आंसर्स में? मार्क्स स्कोर्ड बाय योगी, ये योगी तो चलो सीबीडी हो गया, फाइन। योगी का मार्क्स सीबीडी है, ठीक है, मतलब ये फिक्स तो हो जा रहा है। मैं कौन सा पॉइंट मिस कर रहा था यार? नेम नहीं फिक्स हो पाएगा, ये कैसे फिक्स करोगे? यू डोंट नो हु इज योगेश, हु इज हरी। चलो ठीक है, मेरे को लगा, बट हमारा आंसर सही हो जाएगा ना, फाइन। चलो ये वाला एक पॉइंट मैं कहीं मिस कर रहा था, ठीक है। चलो फ्लास्ट में ये भी फिक्स ही हो गया, क्योंकि लोरेटो का 85 यहाँ पे हो जाएगा ना, तो लोरेटो मस्ट बी 85, ठीक है। अब ये चेक कर लें एक बार, ठीक है, जस्ट चेक एक बार 91 वाला यार, ठीक है, एक बार 91 वाला चेक कर लें, 91 वाला, ओके। अरे